हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड हैविंग गुड टाइम विद योर फैमिली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर फोर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। चैप्टर यूनिट का नाम है कॉल ऑफ द हिल्स। यूनिट का क्या नाम है? कॉल ऑफ द हिल्स, ठीक है, पहाड़ी की पुकार। नाउ व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर, क्या दिया हुआ है चैप्टर में? हमने ये चैप्टर लाइव सेशन में ऑलरेडी किया हुआ है, आज हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो चलो देखते हैं चैप्टर में। हे अबू मिया, लुकिंग सैड, व्हाई आर यू सिटिंग अलोन टुडे, वेयर इज योर डार्लिंग कलवा? अबू मिया आज आप क्यों अकेले बैठे हो और क्यों आप दुखी लग रहे हो? ठीक है, आपकी डार्लिंग कलवा कहाँ गई है? गोविंदा वॉज वरीड, परहैप्स आई हैव लॉस्ट हर। गोविंदा ये देख के बहुत मतलब उनको अबू मियां को देख के बहुत वरी हो जाता है, ठीक है, देन उनसे पूछता है शायद मैंने उसको क्या किया है, खो दिया है। अबू मियां कहते हैं शायद मैंने मेरे कलुआ को खो दिया है। आई हैव सीन हर फुटप्रिंट्स गोइंग अप द हिल, मैंने उनके फुटप्रिंट्स कहाँ देखे हैं? ऊपर पहाड़ी की तरफ जाते देखे हैं। द डेविल मस्ट हैव किल्ड हर, ठीक है, वो डेविल ने, वो राक्षस ने उसको खा लिया होगा। पुअर अबू खान वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, वो बहुत दुखी थे, ठीक है, उनके ऑलमोस्ट आंसू निकल आए थे उनकी आंखों से। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई कलुआ ब्रोक द स्ट्रिंग एंड डिसअपीयर्ड इन द नाइट, उनको पता नहीं चल रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कि कलुआ ने ऐसा क्यों किया, वो क्यों रस्सी तोड़ के रात को गायब हो गई। He used to give her green juicy grass and tasty grains. वो उसे रोज green juicy grass देते थे, हरी हरी, ठीक है, रस झड़ती, ठीक है, and tasty, बहुत खाने में tasty grass देते थे वो उसको। But even then his family members had left this house. फिर भी उसका जो अकेला family member था उसने क्या किया, वो घर छोड़ दिया, अबू मियां को छोड़ के वो चली गई। कहाँ चली गई? पहाड़ियों पे। After some days, Abu Mia bought another goat. ठीक है, कुछ दिनों बाद वो दूसरी goat, दूसरी बकरी लेके आए। This new one was pretty, which as snow, white as snow. वो बहुत खूबसूरत थी, ठीक है, बर्फ के जैसे वो white थी। Had two little horns, छोटे छोटे सिंगड़े थे उसके, ठीक है, and a pair of lovely bright red eyes. उसकी आंखें थी वो रेड कलर की, बहुत ही अच्छी सुंदर आंखें थी। I will call you Chandni, caressing her soft fur, he said. ठीक है, मैं तुम्हें क्या कहूँगा, मैं तुम्हें चांदनी कहूँगा। Caressing का मतलब है पंपारवो। CARESSING इसका मतलब है पंपारवो, ठीक है, कैरेसिंग का मतलब है पंपारवो, लवली टच। वन फाइन मॉर्निंग द नेबर गोविंदा अपीयर्ड, एक दिन फिर जो उनका नेबर था गोविंदा वो दिखाई देता है और कहता है ही सॉ अबू मियां टॉकिंग टू हिज ओनली फैमिली मेंबर, हे अबू चाचा यू लुक हैप्पी एंड हेल्दी, हाउस लाइफ नाउ? वो उनको कहते हैं अबू मियां आज आप ठीक लग रहे हो, ठीक है, आज आप खुश लग रहे हो, कैसी चल रही है आपकी लाइफ? अबू मियां रिप्लाई करते हैं आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन गोविंदा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। चांदनी हैज ब्रॉट न्यू लाइफ टू मी, चांदनी ने मुझे नई जिंदगी दे दी है। शी लव्स मी अ लॉट एंड इवन आई कांट कैन नॉट लिव विदाउट हर। अबू मियां वॉज बीमिंग विद जॉय, ठीक है, अब वो कहते हैं कि मैं जो चांदनी बहुत प्यार करती है, मैं भी चांदनी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चांदनी के बिना रह सकता नहीं हूँ, ये कह के अबू मियां बहुत खुश हैं, ठीक है, उन वो हंस रहे हैं। बीमिंग का मतलब है स्माइलिंग हैप्पीली, ठीक है। बट व्हाट वर यू टेलिंग हियर हर, आप लेकिन आप इसको क्या बोल रहे हो? आई सॉ यू टॉकिंग विथ योर डार्लिंग, मैंने देखा तुम उससे बातें कर रहे हो, आप उससे बातें कर रहे हो। ओ यस
I was telling her the story of Kalua, sad and at the blood, thirsty teeth of the devil on the hill. वो कह रहे हाँ मैं उसको कलुआ की कहानी बता रहा था कि कैसे कलुआ ऊपर पहाड़ पे गए और उस राक्षस ने उसके खून उसका खून पी लिया, ऐसा मतलब उसको मार दिया. Then Abu Mia replied, but my dear Chandni will never leave me. She's so understanding and happy with me. He added. उन्होंने कहा मेरी जो चांदनी है वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, वो बहुत समझदार और बहुत खुश है वो मेरे साथ. गोविंदा सेड, अबू चाचा मुझे आशा है कि आपकी गोविंदा आपकी जो चांदनी है वो आपको आपके आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगी. सम ईयर्स पास्ट, चांदनी डेवलप एन अट्रैक्शन फॉर द हिल्स. ठीक है, एवरी मॉर्निंग शी वॉच द हिल टॉप शाइनिंग इन द टेंडर सनलाइट. कुछ दिन बीते, कुछ साल बीत गए. ठीक है, चांदनी को जो है चांदनी भी अट्रैक्ट होने लगी, मतलब आकर्षित होने लगी पहाड़ों को देखकर. एवरी मॉर्निंग वो पहाड़ों को देखती थी, पहाड़ों की ऊंचाई को देखती थी और क्या देखती थी, टेंडर सनलाइट. टेंडर सन मतलब कोमल सी सूर्य की किरणें. टेंडर का मतलब है कोमल. ठीक है, हाउ ब्यूटिफुल दिस हिल्स आर. वो मनी मन में सोचती थी ये हिल्स कितने ब्यूटिफुल हैं एंड उनके जो हवाएं चल रही हैं वो कितनी खुशनुमा हवाएं हैं. आई मस्ट रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. मुझे वहां भागना चाहिए, जो ग्रीन कलर के फील्ड्स हैं वहां पर. ठीक है, मुझे वहां भागना चाहिए. शी रन टूवर्ड्स द हिल्स बट स्टॉप्ड विद अ जग. वो वहां से भागना चाहती थी बट वो जग की वजह से, जग मतलब आज को. ठीक है, जर्क का क्या मतलब है, आज को. ठीक है बच्चों, वो आज के की वजह से क्या होती थी, रुक जाती थी. देयर वॉज अ लिटल रोप. रोप मतलब छोटी सी दूरी बांधी हुई थी उसके गले में. शी हेटेड इट मोस्ट. सबसे ज्यादा वो चीज को हेट करती थी, नफरत करती थी. ग्रेजुअली चांदनी स्टॉप ईटिंग द ग्रीन ग्रास एंड टेस्टी ग्रेन्स. धीरे धीरे उसने खाना भी छोड़ दिया. ठीक है, उसने अबू का चाचा की बातों में स्टोरीज में इंटरेस्ट लेना भी छोड़ दिया. शी लॉस्ट हर एपिटेट मतलब भूख लगना. उसको भूख भी नहीं लगती थी अभी. ग्रू वेरी थिन. शी स्टैड मूडलेसली एट द हिल्स बाथिंग इन द सनलाइट और प्लेइंग विद द क्लाउड्स. वो हमेशा पहाड़ों को देखती रहती थी कि पहाड़ कैसे झूम रहे हैं. ठीक है, कैसे वहां पे सनलाइट है, वहां क्लाउड्स कैसे हैं, बादल कैसे हैं, उसको देख के वो हमेशा खुश होती रहती थी. लेकिन सॉरी, उसको मूड ऑफ रहता था उसको देख के कि उन क्यों, क्योंकि चांदनी को वहां जाना था और अब्बू चाचा उसको जाने देते नहीं थे. एपिडेट का मतलब है भूख. ठीक है बच्चों, नाउ अबू खान कुड सेंस व्हाट वाज हैपनिंग टू हिज डियर चांदनी. अबू खान को पता चल गया था कि चांदनी को क्या हो रहा है. ठीक है, उन्होंने क्या किया, चांदनी को झोपड़े के अंदर, हट के अंदर बंद कर दिया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया. बट फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक. बट जो विंडो थी, ठीक है, झोपड़े के पीछे जो विंडो थी वो बंद करना भूल गए. देन उसी रात चांदनी जो है विंडोज की तरफ से भाग गई और आजाद हो गई. जब चांदनी हिल टॉप पर पहुंची, ठीक है, हिल टॉप मतलब पहाड़ की ऊंचाई, तब वहां पे येलो कलर का सन जो है वो जस्ट उगना स्टार्ट हुआ था. ठीक है, इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग. शी वॉज ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड वंडर. उसको बहुत खुशी हो रही थी और वो आश्चर्यचकित भी थी कि इतना सारा चीजें, मतलब नई नई चीजें वो देख रही थी. द ग्रीन ग्रास अंडर हर फीट बिकम गोल्डन येलो. जो ग्रीन कलर की ग्रास थी वो कौन से कलर की बन गई, येलो कलर की. क्यों, क्योंकि सनलाइट आ गया. द विंड सांग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम. ऐसा बताया गया है कि जो हवाएं हैं वो चांदनी का वेलकम कर रही हैं. चांदनी फेल्ट एज इफ शी वर मीटिंग हर मदर आफ्टर इयर्स ऑफ सेपरेशन. चांदनी को ऐसा फील हो रहा था कि वो क्या कर रही है, अपनी मदर से मिल रही है काफी सालों बाद. How different all this was from Abu Khan's prison house. Abu Khan के जेल के घर से तो ये कितना अलग है, कितना beautiful है.
उस दिन वो बहुत अच्छे से खेली, जंप किया, ठीक है, यहाँ वहाँ सब कुछ घास वगैरह खाया, वो अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, समझ रही थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, चांदनी की लाइफ का वो सबसे हैप्पी डे था, खुशनुमा दिन था वो। अब सन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द हिल्स, अब धीरे धीरे शाम होने लगी, सन जो है, सूर्य जो है वो भी ढलने लगा, हर जगह पर डार्कनेस हो गया, द फ्लावर्स, द ग्रास एंड द ट्रीज, दे ऑल बिकम डार्क, पूरा अंधेरा हो गया, हिल पे तो लाइट होगी नहीं, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। विंड ने भी अपना, द विंड स्टॉप ब्लोइंग, विंड ने भी अपना हवा चलना भी बंद हो गई। देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड, नीरव शांति, हर जगह पर स्टिलनेस, अकेलापन, बिल्कुल शांति थी वहां पर। स्टिलनेस का क्या मतलब है? स्टिलनेस का मतलब है नीरव शांति, ठीक है। स्टिलनेस का क्या मतलब है? नीरव शांति, हर जगह पर बिल्कुल शांति है। एंड आउल हूटेड फ्रॉम अ होल, होल उनके जो पता है आउल का मतलब क्या होता है, जो रात में, और उल्लू उसको कहते हैं आउल, हूटेड फ्रॉम अ होल, चांदनी फेल स्कैर्ड, वो देख के वो उसको बहुत डर लग रहा था, उल्लू की आवाज आ रही थी अपने, उनको अपने अपने होल में से आवाज कर रहे थे। द फुल मून रोज इन द डिफरेंट स्काई, इन इट्स सिल्वर लाइट, चांदनी सॉ टू बिग ब्राइट आईज एंड शार्प टीथ। अब मून जो है वो उग गया था, ठीक है, वो अच्छी तरीके से उस मून दिख रहा था पूरा, और वो सिल्वर लाइट अब क्या आने लगी, अब सिल्वर, पहले येलो थी, अब कौन सी लाइट आ गई, सिल्वर लाइट। चांदनी जो है वहां पर सिल्वर लाइट में टू ब्राइट आईज, ठीक है, दो चमकती हुई आंखें दिखती है, और शार्प टीथ, नुकीले दांत। Moving slowly towards her, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है, the devil was not in a hurry, he knew that God was also his food, वो जो devil था, वो जो राक्षस था, उसको कोई जल्दी नहीं थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसको पता है कि ये जो बकरी है आज मेरा शिकार होने वाली है। Wolf जो बकरी जो है, दोनों ने अपना सर ऐसे करके, एक तरफ से wolf, एक तरफ से goat, ऐसे करके एक दूसरे को सामने खड़े हुए। जो राक्षस था वो बहुत big and ferocious, ferocious it means vikrar, ferocious का मतलब क्या होता है, vikrar। where she was small but not weak, वो भले ही छोटी थी but weak नहीं थी। चांदनी stood firm on her legs, वो डटे हुए थी अपने पैर वहां पर, उसने अपना हेड थोड़ा सा नीचे किया, और उसके जो हॉर्न्स थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स, उसको एम्ड किया, मतलब उसको टारगेट किया डेविल की तरफ। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ब्रेव सोल्जर जो है वो फाइट के लिए रेडी है, लड़ने के लिए तैयार है, एक ब्रेव सैनिक लड़ने के लिए तैयार है। द फाइट बिगेन, अ फाइट स्टार्ट होती है, वो पूरी रात फाइट चलती है। द मून बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स, वो मून जो है बादलों के पीछे छुप गया, ठीक है। स्टार्स भी धीरे धीरे डिसअपियर हो गए एक एक करके, अ फेंट लाइट अपियर इन द ईस्ट, अब पूरी रात चली, अब थोड़ी सी मतलब स्लाइटली सी एक रोशनी ईस्ट की तरफ आती है, क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया है, मॉर्निंग टाइम हो गया है, अब क्या होने वाला है, सूर्य उगने वाला है। The first rays of the sun was चांदनी lying on the ground. जैसे सूर्य की पहली किरण आई, तब चांदनी कहाँ पड़ी थी, जमीन पर पड़ी थी। She was completely soaked in blood. पूरी उसकी बॉडी पे क्या था, ब्लड था। The wolf, वो जो राक्षस है ना, वो कौन था, wolf था, ठीक है। Tired and sleepy was getting ready to devour her. ठीक है, बस उसको खाने की तैयारी में था वो wolf भी बहुत थक चुका था। A block of birds sitting on tree was debating the result of the fight. अब कुछ birds जो है वो tree पर बैठे थे, पेड़ पर बैठे थे, और वो ऐसे discuss कर रहे थे कि कौन जीतेगा, ऐसा चर्चा कर रहे थे। Debating का मतलब है चर्चा करवी।
डिबेटिंग का मतलब क्या है? चर्चा करवी। सो हु इज द विनर, एक पहला जो छोटा वाला बर्ड है वो कहता है कि कौन विनर हुआ? द वुल्फ ऑफ कोर्स, वो कह रहे हैं हाँ वुल्फ हुआ। मोस्ट ऑफ अदर्स डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर का मतलब है जना व्यू टुगेदर, नो सेड अ वाइज ओल्ड बर्ड, दूसरे कुछ कह रहे हैं, दूसरे पर एक जो बुद्धिमान बर्ड था वो कह रहा है कि नहीं विनर कौन है? चांदनी विनर है, चांदनी इज द विनर। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, ऐसा आजादी के लिए लड़ने वाला पहली बार मैंने कोई देखा है। सो शी इज अ ब्रेव फाइटर, वो बहुत ही ताकतवर ठीक है फाइटर है। सो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, लास्ट में जो चांदनी है वो मर जाती है, उसको वुल्फ खा लेता है ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं ठीक है। यू जस्ट राइट दैट इन योर बुक। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।